साजिद साहब इन द मौजू है हम आखिरत में कामयाब कैसे होंगे, हम आखिरत में कामयाब कैसे होंगे। सारे दोस्त अब आप जौक न सुने जे खत्म कर देना सादी आवाज यानी बस सादी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है रहने दे रहने दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। حاضرین مجلس احباب گرامی दुनिया में इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी है। मैंने आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा कि जो नाकाम होना चाहता हो। हर बंदे की कोशिश काविश मेहनत तगोदौ भाग दौड़ हमेशा यही रही है कि मुझे कामयाबी मिल जाए। ये एक अलग बात है कि उसे चाहने के बावजूद भी कामयाबी ना मिली हो और नाकामी देखनी पड़ी हो, लेकिन फितरत नेचर तबीयत नीयत इरादा चाहत आरजू तमन्ना जिसकी भी हमने थोड़ी सी सोच को पढ़ा तो जवाब यही मिला कि ये बंदा कामयाब होना चाहता है। जब हर इंसान की फितरत में अल्लाह ने ये बात रखी है कि वो कामयाब होना चाहता है तो फिर ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर नाकामी के असबाब क्या हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहले नाकामी के असबाब, उसके बाद कामयाबी क्या है और मिलती कैसे है। नाकामी मैंने जब तारीख को पढ़ा है तो दुनिया में जितनी भी कौमें इस कायनात में बर्बाद की गई हैं तबाह की गई हैं और उनका बेड़ा उल्टा गया है, उनको डबोया गया हवाओं में उड़ाया गया या आसमानों पे पहुंचा के उल्टा करके नीचे फेंका गया, उनमें से ज्यादातर वो लोग नहीं थे कि जिन्होंने नमाज छोड़ी थी या रोजा छोड़ा था या हज छोड़ी थी या ज़कात देना छोड़ी थी। ज्यादातर तबाही और बर्बादी का सबब वो उन इंसानों का हुकूकुल इबाद के ऊपर तवज्जो न देना था
थोड़ी कौमें हैं कि जिनको अल्लाह ने अकीदे की वजह से उठाया। मैं दो चार मिसालें देना चाहता हूं ताकि हम अपनी पोजीशन वाजे करें। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि 7.5 अरब दुनिया में इस वक्त जो आबादी है उनमें से 1.5 अरब लोग ऐसे हैं, 2.25 अरब जिनको रब ने कलमे की नेमत से नवाजा है, और हम कम अज कम इस मस्जिद में बैठे हैं तो कलमा है। ये कलमे जितनी बड़ी नेमत सब लोगों के पास नहीं है। लगभग 6.25 अरब लोग इस नेमत से, कलमे से महरूम है, लेकिन रब ने हमें कलमा दिया है। नूह अलैहि सलाम की कौम ऐसी है कि जिसे रब ने अकीदे की वजह से मारा था। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाही अलैह अपनी मशहूर ज़माना सही अल बुखारी की शरह जो उन्होंने इमला करवाई थी उसमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि रब ने आदम अलैहि सलाम को जो 2 बेटे हाबील और काबील दिए थे, काबील नाकाम हो गया और हाबील कामयाब हो गया। यह दुनिया की पहली नाकामी है और दूसरी तरफ मद्दे मुकाबिल कामयाबी है। काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया और यह जंग जो थी यह हुकूकुल इबाद की थी, और कोई बंदू का हक ऐसा नहीं कि जिसमें रब का हक ना मरता हो, क्योंकि बंदू का रब खुद अल्लाह मुतय्यन करते और हमारे जिम्मे फरीजा लगाते हैं। जब मैं अपने फर्ज को निभाऊंगा तो किसी का हक अदा हो रहा होगा। आप मिसाल सुन रहे थे ना कि औलाद और वालिदैन अगर है, बेटे और बच्चे अगर फर्ज समझ के अपनी जिम्मेदारियां निभाएं तो मां बाप को हक मांगना नहीं पड़ता, और वालिदैन अगर अपनी जिम्मेदारी समझ के हक अदा करें तो बच्चों को मांगना नहीं पड़ता। हक कत्ल तभी होता है जब मैं अपना फरीजा भुलाता हूं और कोई भी चीज मेरे ऊपर दुनिया फर्ज नहीं करती, मेरा रब फर्ज करता है। तो हर हुकूकुल इबाद के पीछे जितने भी हुकूक हैं अल्लाह का हक खड़ा होता है। काबील ने क्या जुर्म किया था? इसने अपने भाई को, जैसे तारीख लिखती है कि उसकी जो बीवी बननी थी ये काबील के साथ पैदा हुई थी, और उसूल ये था कि शादी इसके साथ नहीं हो सकती क्योंकि ये इसके साथ पैदा हुई थी, और वो हाबील की बीवी बनना थी। काबील ने रब के उसूल को तोड़ के कहा कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, इसमें हुसन ज्यादा, जमाल ज्यादा है, प्यारी ज्यादा है, मेरे साथ पैदा हुई है तो हक भी मेरा है, और वो तेरे साथ है तो मैं क्यों लूं। भाई समझाता रहा कि हाथ ना उठा, कहने लगा तू मेरे रास्ते का कांटा है, मैं खत्म कर दूंगा। मारने लगा तो भाई ने कहा कि मैं तो अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, तुझे मारूंगा, अब तेरी मर्जी, तू देख ले। काबील ने अपने भाई को कत्ल किया, इस जुर्म की सजा देखी है। हम कितने जुर्म करते हैं। इसने जब अपने भाई को मारा जो हुआ किताबुल्लाह ने जिक्र किया, लेकिन अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इसकी 6ठी पुश्त में से, काबील की 6ठी पुश्त में से एक बच्चा पैदा हुआ। जब मैं और आप दुनिया में कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह के नताएज व मिन सैयाति आमालिना, खुतबा जुमा में, खुतबा निकाह में, खुतबा ईदैन में मुहम्मद रसूल सल्लम फरमाया करते थे, अल्लाह हमें हमारे आमाल के बुरे नताएज और उसकी बुरी शामत से बचाना। 6 पुश्तों के बाद जाकर के काबील की नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसने पहली दफा रब का इनकार करके, अल्लाह के साथ शिरक करके, अल्लाह के मद्दे मुकाबिल बुतों को खड़ा किया। ये वद सवा यहूस यऊक और नसर, ये काबील की आल में से एक बच्चे ने रब के मद्दे मुकाबिल अपने बुजुर्गों के बुत बना के, ये काबील उसकी औलाद में से,
वद अपने दौर का बड़ा अजीम लीडर था, सवाबी बड़ा बुजुर्ग था, यहूस बड़ा वलीउल्ला था, यऊक भी बड़ा समझदार दानाबीना सरदार था, और नसर भी अपने दौर का ताजे सरदारी सर पे रखता था। ये फौत हो गए। काबिल के इस बेटे के पास शैतान आया और कहने लगा कि यार तेरे वालिद, तेरे जद्दे अमजद, उनके बाप, उनके बाप, उनके बाप, वो तो बड़े समझदार थे, वो मुआशरे में, सोसाइटी में अपने हुकूक मनवाते थे, तुम्हें पता है ये जो पहले बुजुर्ग चले गए इन्हें कौन संभालेगा, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, आने वाली कौम को पता भी नहीं चलेगा। सही बुखारी में सारी वजाहत है। अब उनके बुत बनाए गए, घड़े गए, शक्लें बनाई गई, रखी गई, कौम को बावर कराया गया कि तुम्हारे पहले इन बड़ों से अपनी मन्नतें, जरूरतें, हाजतें पूरी करवाते थे, तुम भी करो। और आखिर कौम बिगड़ती बिगड़ती इतनी बिगड़ गई कि अल्लाह को नूह अलैहिस्सलाम को भेजना पड़ा। एक दो सदी नहीं, 950 सदियां, 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के जरिए रब ने कौम को कामयाबी का पहलू दिखाया कि लोगों, जिस रब ने बनाया है वो एक अल्लाह है। ये वद, सवा, यहूस, यऊक, नसर, ये पंच तन पाक, ये पांच पाकीजा हस्तियां मेरे बंदे हैं, ये तुम्हारे इला या माबूद या हाजत रवा और मुश्किल कुशा नहीं है। मगर कौम नहीं मानी, कौम नहीं मानी। दुनिया में पहला जुर्म हुआ है हुकूकुल इबाद में, और पहली कौम तबाह हुई है उस हुकूकुल इबाद के नतीजे में पैदा होने वाली एक गंदी औलाद, जिसने बंदू के हक भी मारे, जिसने रब के भी हक को मारा। फिर मेरे रब ने जब दिमाग में पानी ज्यादा हो गया और दावत से सही ना हुआ, और यह जुमला याद रखिएगा, जब दावत से, पैगाम से, इबलाग से, तबलीग से, नसीहत से, सबक सिखाने और दुरूस से, मुहाजरात से कौम सीधी ना हो, उस कौम के दिमाग में पानी भर गया है। और मेरा रब इलाज बिल मिसल करता है, जैसी बीमारी हो वैसा इलाज। यहां मेरे रब ने कौम का इलाज पानी से किया, ऊपर से बारिश बरसाई, जमीन से भी पानी निकाला, और ये उनके ऊपर मुसलसल बरसता रहा। अब आइए, बीच में दुनिया में सबसे बड़ा एजाज होता है कि किसी को नबी का बिस्तर मिल जाए औरत के लिए, ये नबी की बीवी है। और दुनिया का इससे भी बड़ा एजाज यह है कि अल्लाह ताला नबी की आल बना दे, ये पयंबर का बेटा भी है। नबी की बीवी, पयंबर की आल, कौम को एक तरफ रखिए, इन दोनों को भी समझाया, वाज की, नसीहत की, तबलीग की, तौहीद सिखाई। मगर यहां बीवी ने और बेटे ने अल्लाह का हक तो मारना ही था कि नहीं लिया सबक, हुकूकुल इबाद में डंडी मारी। और वो समझने की कोशिश कीजिए, शायद किताबों में ये चीजें तहरीर ना मिले आपको। हुकूकुल इबाद में डंडी मारी, बाप जब रब के हुक्म पे कश्ती बना रहा था और अजाब से बचने का एक ही रास्ता था कि मेरे महबूब नबी नूह अलैहिस्सलाम जो तेरी बनाई हुई कश्ती में सवार हो गया, बचा लिया जाएगा। जिसने इबा की, इनकार किया, रद्द किया, रिजेक्ट किया, वो मारा जाएगा। और ये सबक पैगंबर ने अपने बीवी और बच्चों को भी पढ़ाया, बीवी और बच्चों को भी पढ़ाया। नतीजा क्या निकला? बीवी अपने शौहर के बारे में कहने लगी और बेटे को बाप के बारे में समझाने लगी कि बेटा ये प्यो तेरा केड़ा को नस्लां तो तरखाण चले आ रहा, ये आ रही है थोड़ा फड़ के बह गया है, इन्हें कश्ती बनानी शुरू करती है, ये कहिंदा पानी आना है तो डुबना, तो मरना, तो बचना उन्हें ही है जेड़ा बेच चढ़ू। मैनू तो यही डर लगता जेड़ा बेच बह गया ना, ये उवें ही भावें खुल खुल जाए। अक्सर बीवियों को अपने घर के शौहरों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। यहां मरा था बाप का हक, नाकामी का सबब बाकी कौम के लिए,
उन्होंने अल्लाह की तौहीद को नहीं माना, पैगंबर की रिसालत को नहीं माना। बीवी और बच्चे में एक मसला और भी था कि बीवी ने शौहर का हक नहीं जाना और बेटे ने अपने बाप का हक मारा है। यहां दूसरा पहलू है। अब आपको पता है कि नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे हैं, मशहूर नाम हाम है, साम है, याफिस है। जितना यूरोप है ये याफिस की औलाद है, जितना ये एशिया है बर्रे आजम एशिया, और ये आपको पता है कि साम की औलाद है। और ये बदनसीब जिसने बाप की नहीं मानी, बीवी जो थी उसके कहने पे मां की मान के पहाड़ पे चढ़ गया। पुत पहाड़ पे चढ़ जी, चलो पत्थरों का तो है ना बच जाएगा, एक कश्ती की राह खुल गई तो की बचू। बस यहां मैंने सबक समझाना था जो तारीख के एतबार से कि कौम को रब ने मारा नाकाम किया हुकूकुल्ला की वजह से, और पैगंबर के मुआमले में अल्लाह का हक यह है सारी दुनिया रिजेक्ट कर दी जाए पैगंबर की बात नहीं रद्द की जाएगी, अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानी, कौम नूह बर्बाद कर दी गई, और नबी की बीवी ने अपने शौहर की नहीं मानी और बेटे ने बाप की नहीं मानी, रब ने दोनों को बर्बाद कर दिया। आगे तारीख में आइए, नमरूद को देखिए, अकीदे की वजह से मारा गया। फिरौन को देखिए, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्ला की वजह से मारा। कौम शुएब को देखिए, नाप तोल में कमी की, रब ने मार दिया, नाकाम कर दिया। क्या चाहते थे? पैसा ज्यादा मिल जाए, दौलत मिल जाए। किस्सा मुख्तसर, ये लोग कामयाब नहीं हुए। आद मर गए, समूदी मर गए, फिरौन और फिरौनियत मर गई, कारून और कारूनियत मार दी गई, हामान की हामानियत मार दी गई, अबू जहल की जहालत मार दी गई। लोगों ये लोग नहीं बचे, हम उनसे ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हुकूकुल्ला और हुकूकुल इबाद दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं बड़े इख्तिसार से समझाना चाहता हूँ। जिस भी सीने में दिल है, अभी पूछा गया ना कि जो रसूल सल्लम की नात सुनना चाहता है तो आपने हाथ खड़े कर दिए, जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है ना, मैं नहीं कहता कि वो सीने पे और दिल पे हाथ रख के सुने, अपने दिल की कदर करना। मैं यहां शेर पढ़ने लगा हूं, तर्जमा एक हदीस का, फरमाया आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। जिस दिन तुमने दिल तोड़ा, याद रखिए दिल बनाया है रब ने, और दिल टूटता तभी है जब हुकूकुल्लाह का कोई आर्डर कोई फैसला उसकी वायलेशन की जाए, मुखालफत की जाए, और दिल टूटता तभी है जब बंदा किसी का हक मारता है और अपना फर्ज नहीं निभाता। मैं यहां नाकामी के सबब में दूसरा सबब बता रहा हूं और उस पर तशरीफ लाइए, मोहब्बत उसे बैठिए, अपने माजी में अपनी जिंदगी में सोचिए। इस कायनात की असास अल्लाह ताला ने, पहली बुनियाद पहली असल, इस कायनात की असास और असल अल्लाह ने किसे बनाया? जी नवा शहर, इलाके का नाम है, गांव का नाम है। जी नवा शहर के लोगों, शहर नवा होगा, आप नए नहीं हैं। अल्लाह ने इस कायनात की असास जिसके लिए पूरी कायनात बनाने के बाद उसे बनाया है, वो मर्द है। वो मर्द है तो सिर चुक के बवो, जेड़े जेड़े मर्द ने टेंशन क्यों लेके बैठे हो, थोड़ी तारीफ हो रही है। और ये शायद आपको पहले जुमला किसी ने ना बोला हो, मैं तारीख से, कुरान से, शरीयत से, पूरी शरीयतों का नचोड़ सामने रख रहा हूं। अगर दिल को लगे तो लेके जाना, ना लगे तो छोड़ जाना। हजरात इस कायनात की असल असास मता बुनियाद जाने जाना, पूरी कायनात का पहला नुक्ता और महवर बनाया है। अल्लाह ने मर्द को बनाया है और शौहर के रूप में बनाया है। दलील
अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम मर्द थे और सबसे पहले इस दुनिया के शौहर थे, मानते हो? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और शौहर के रूप में बनाया, और फिर इस असल की रब ने जो फसल बनाई है, हर असल की फसल होती है, किते ना किते तो पहली लब दे हो ना, जमीन इंतकाल हुई तो आपके नाम, आपका इंतकाल हुआ तो आप जमीन के नाम, इंतकाल हुआ तो जमीन आपकी हो गई, आपका इंतकाल हुआ तो आप उसी जमीन के हो गए। नुक्ता समझने का है, जब रब ने जाने जाना बनाई है तो इस जान में से जो जान बना के फसल ते मार देंदे हो कि नहीं मुंजी ते? ये पिछले दिनों आपने तस्वीर देखी होगी, तीन आदमी एक सुअर ने मार दिए, चीर फाड़ के रख दिए, तो फसल की रखवाली कर रहे थे, शायद आपके भी यहां चली हो तस्वीर, फेसबुक पे चली, तीन आदमियों को चीर के रख गया, रात को पहरा देते हुए, जागते हुए, पानी लगाते हुए, खाद वाद देते हुए, अगर फसल की निगरानी रखेगा, मर्द है असल है, और इस मर्द से रब ने जिसे दूसरी चीज को बनाया इस कायनात की, वो औरत है और औरत बीवी के रूप में है और ये मर्द से पैदा हुई है, लिहाजा औरत बड़ी आसानी के साथ जहां हुकूक में मार खा जाती है और जहां हक के लिए लड़ाई पर जंगों पर लड़ना कुड़ना पूरी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है, गैर फायदा उठाते हैं, उसे इलम होना चाहिए कि इस कायनात में औरत पैदा हुई है तो मर्द से पैदा की गई है, मर्द से, और ये फसल है। फातु हरसकुम अन्ना शेतुम, समझ रहे हैं? अब अगर असल और फसल एक दूसरे के हुकूक का ख्याल फर्ज समझ के करेंगे तो तीसरी चीज इनमें से नस्ल पैदा होती है। बाप सूरज की धूप में जलता है, मां चूल्हे पे जलती है, फिर जाकर के ये नस्ल पलती है। ये तीन चीजों का कंबिनेशन, इन्हीं में डंडी मारी गई है तो सारे हक मरे हैं और पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हुई है और इसी वजह से नाकामियां मिली हैं। आइए इस जुमले को समझने की कोशिश करें कि मर्द क्या है, शौहर के रूप में दुनिया की असल है, बीवी औरत के रूप में इस दुनिया की फसल है, इन दोनों के ताल्लुक अच्छे हों तो नस्ल बनती है। निकाह की पहली के बाद जो दूसरी आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहन्नासु बुदु, नहीं, या अय्युहन्नासु तकु, लोगों डर के सुनो, कान खड़े करके सुनो और अपनी रेस ब्रेक ठीक करके सुनो, या अय्युहन्नासु तकु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिम वाहिदा। ये नफ्स वाहिदा की तफसीर मर्द है और मर्द शौहर के रूप में, वह खलक मिन्हा ज़ौजा, उसमें से उसकी जान बनाई। किसको बनाया? बीवी को बनाया। ये औरत बीवी के रूप में फसल बनी। वबत्ता मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसा, इन दोनों के ताल्लुक से हमने इनकी नस्ल बनाई, वो लड़के हों या लड़कियां हों। ये पूरी जिंदगी का और दुनिया का खुलासा है। अब ये शौहर का हक क्या है? शौहर का हक हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने सूरतुर रूम में जिक्र किया, व मिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि इसकी जो बीवी है ना वो इसका जोड़ा बने, तोड़ा नहीं। तोड़े में और जोड़े में बड़ा फर्क होता है, जोड़ा बने। क्यों मैंने तोड़ा बोला? ये जूट मिल आपके बिल्कुल करीब है, कभी शार्ट पड़ गया बारदाना, कभी कुछ हुआ, जोड़ा क्या होता है? आइए जोड़े का मफहूम समझना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को एक जंगल में छोड़ के बेटा देके, ना मेडिकल स्टोर, ना जर्नल स्टोर, ना कोई गाय, ना कोई भैंस, ना दूध, ना पानी का बंदोबस्त, ना नलका, ना कुआं, कोई चीज नहीं। कहा मैं छोड़ के जा रहा हूं। कहा आपकी चाहत है या ऊपर वाले की? कहा ऊपर वाले का फैसला। रदी तो बिल्लाही रब्बा, बीवी ने कहा फिर आप बेफिक्र होकर चले जाए। यह है जोड़ा। जोड़ा बीच में सैकड़ों मील नहीं, हजारों मील का भी सफर हो,
तन्हा हो, जंगल में हो, वीराने में हो, जोड़ बन के, जोड़ा बन के दिखाया, जोड़ टूटने नहीं दिया। 1400 बरस बीत गए, मोहम्मद रसूल सल्लम आए, हमें बताया कि ये सफा है, ये मरवा है, यहां वो चढ़ी थी, दौड़ी थी, दिल हालात बेकाबू हुए थे, बच्चा प्यासा था, भूखा था, एड़ियां रगड़ रहा था, बीवी ने एक दफा भी शौहर का शिकवा नहीं किया। ये जोड़ा होता है, हालात के साथ दौड़ी जरूर है, मगर जोड़ी का ताल्लुक कभी किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने खुला मांग लिया हो कि जेड़ा मैनू छड़ के उखे वेले टुर गया हो मेरा कादा। खुला नहीं मांगा, बेटे की गलत तरबियत नहीं की, बेटे को एड़ियां रगड़ते देखा, हालात में पहाड़ी के ऊपर, अभी तो सफा मरवा रही नहीं, पहाड़ी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल, चढ़ के उतरना बड़ा मुश्किल, 7 चक्कर लगाते हुए मर्द थक जाते हैं, वो मां होके तड़प उठी, लेकिन जोड़ कायम रखा है, इसे कहते हैं जोड़ा। मिन अनफुसिकुम अजवाजा, और जोड़ा मैंने कभी नहीं देखा कि सज्जे पैर आला आ जाए, खब्बे आला के मैं नहीं पहना, दुकानदारा मैनू अपने को रख ला, मेरे ये दिना सेटिंग नहीं बननी। क्या ख्याल है, एक शो केस में लगा होता है, दूसरा डिब्बे में पड़ा होता है, होता जोड़ा ही है। और जब भी दुकानदार देखता है कि आने वाले गाहक को शो केस में पड़ा हुआ पसंद आ गया है, उसे वो अकेला पैक करके नहीं देता, ये नालदा कट के ले आई, नालदा कहते हैं ना, मालदा नहीं, क्यों ये नालदा, अंब की मशहूरी। तो अगर हम ये होते तो अल्लाह की कसम कभी दुनिया में धोखा ना खाते। औरत अपने शौहर के साथ यूं जुड़ के रहती, और शौहर, याद रखिए क्यों, शौहर भी दिल रखता है, बीवी भी दिल रखती है, बच्चे भी दिल रखते हैं, हर रिश्ते का दिल है। आज मैंने दुनिया को देखा, जिसको पूछा, पाजी मेरा दिल उन्हें तोड़िया है, मेरा भाभी ने तोड़िया है, मेरा मासी ने तोड़िया है, ऐ खाला ने तोड़ता, आ अब्बे ने। पहली बुनियाद यह है कि शौहर भी दिल रखता है, मगर कभी बीवियों ने महसूस नहीं किया कि ये भी दिल वाला है, और बीवी भी दिल रखती है, शायद शौहर भी महसूस नहीं करता। जब दिलों का लिहाज नहीं किया जाता तब जाकर के बर्बादियां होती हैं, और दिल का लिहाज रखने के लिए हक नहीं मांगा जाएगा, हक छीना नहीं जाएगा, फर्ज समझ के निभाया जाएगा, फर्ज समझ के। ये फर्क भी समझ ले, हक लोग कहते हैं जी छीने जाते हैं, हक मांगे जाते हैं, जो छीना जाए वो मांगा जाए वो नीचे होता है, फर्ज दिया जाता है, जो दिया जाए वो ऊपर होता है। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर, ऊपर वाला नीचे वाले से बेहतर। अगर फर्ज समझ के कहोगे कि मैंने अपनी बीवी के दिल का ख्याल रखना है, तोड़ना नहीं, फर्ज समझ के करोगे और बीवी भी ये समझ के करे, अल्लाह की कसम कभी मियां बीवी में जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, और यही तरबियत बच्चों में जाएगी, नस्ल में जाएगी, नस्ल के आगे 60 रिश्ते, सारे रिश्ते बाद में बने हैं, पहले बीवी ही, शौहर का ताल्लुक, इनसे आगे रिश्ते बनते हैं। मसलन तरबियत क्या होती है, फूफियां बुरी नहीं होती, मगर घर में जो आकर के अम्मी कहती है ना, पुत ये जड़ी फुफो है ना बहुत कपत्ती है, अब्बा सुन के चुप कर रहता है, चल हूँ बीवी कह दी मैं देते की कहाँ। अब ये जुमले बोले किसने हैं, बीवी ने, और ये वार किस पे है, अपने शौहर पे, शौहर पे, शौहर कर गया कंप्रोमाइज, आपने समझा कि वो चुप हो गया, उसका दिल नहीं, वो दिल रखता है, अंदर ही अंदर कट चुका है, टूट चुका है, सुकून नहीं मिला। लितस्कुनु इलैहा, दुनिया में सुकून देखना चाहते हो तो मेरे भाइयों बहुत अच्छे तरीके से सुन लो, मर्द और बीवी के दिल को पुरसुकून कर दो फरीजा समझ के, अगली नस्लों में तरबियत में चला जाएगा फर्ज समझ के, और फिर कभी किसी का दिल नहीं टूटेगा, सुकून मिलेगा। सुकून नाम है ठहर जाने का, पूरी दुनिया से घूम के बंदा आके ठहरता कहाँ है, जहाँ उसका घर होता है, इसीलिए घर को सकन भी कहते हैं, मस्कन भी कहते हैं, और जहाँ बाहर से आके घर में बंदा कहे दे नालू तो बेहतर सी, मैं तूड़ी दे पल्ले च सौ जाता, फिर वो मस्कन भी नहीं, वो सुकून भी नहीं, वो निकाह का फायदा भी नहीं, हुकूकुल इबाद कत्ल हो रहे हैं और हक मर रहे हैं क्योंकि फर्ज नहीं समझा जा रहा।
आइए आज फैसला लीजिए, दुनिया और आखरत की कामयाबी मैंने हुकूकुल इबाद से क्यों शुरू की। कल कयामत के दिन एक आदमी के बारे में पैगंबर ने बताया, सवाल मस्जिद नबवी में हुआ, शहर मदीना है। आका पूछते हैं अतद्रून मनिल मुफलिस यमल मुफलिस, मेरे सहाबा मेरे शागिर्दो एक बात तो बताओ, जानते हो मुफलिस कौन है, कंगला कौन है, गरीब कौन है, फकीर कौन है, मिस्कीन कौन है, और बिल्कुल खाली हाल मफलूकुल हाल बेबस लाचार कौन है? फकीर के बारे में जानते हो? महबूब के असहाब ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से मुफलिस वो है मल्ला दिरहम लहू वला दिनार, जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं वो मफलूकुल हाल है, वो कंगला है, वो गरीब है, वो फकीर है। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है फकीर। फकीर कौन है? अल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल कयामत के दिन लाया जाएगा। यही है ना मौजू कि आखिरत में कामयाब कैसे हो सकते हैं, लाया जाएगा, इसकी नमाजें जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों को छू रही होंगी, सदकों के ढेर पहाड़ों के बराबर होंगे, और रोजे ढेर ही ढेर, अंबार ही अंबार, अनगिनत लातादाद, और उनका सिला इतना 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 कि कोई गिन ही ना सके। सौम लीवाना उजी भी, रोजे की जजा दे दी गई, अजर दे दिया गया, सवाब दे दिया गया, सारा कुछ मिल गया, उमरे करके आया ढेर लगे हुए, हज करके आया हज्जे मबरूर बन गया, अल्लाह ताला ने नेकियों में कमी नहीं छोड़ी, अंबार ही अंबार, जमीनों की तश्तरियां भरी हुई, आसमान के थाल भरे हुए, रब ने लाकर के कटहरे में खड़ा कर लिया, बड़ा पुर उम्मीद है, इतना माल, ये जन्नत। और मैंने तो पढ़ा ही ये है ना शुरू से, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, उत्थे अमलां ते होने नहीं नखेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, ए माली या फातिमा बेटी अमल करके आना, अमल 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 अमल, नेकी दुरूद सलाम तस्बीहात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया, दिल का लिहाज नहीं रखा था, हज किए थे मगर क्या था, हज भी कीती जांदे हो ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, ओए नफसां ते छुरी ते फेरी ना, दुंबे ही कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो ते नफला नीती जांदे हो, ते खा खा माल यतीमां दा ते भज भज मसीती जांदे हो, कुछ सानू भी दसो लाला जी हकीकी कीती जांदे हो। ये इसी तरह के हाजी साहब, नमाजी साहब, गाजी साहब, मुजाहिद साहब, काजी साहब, इमाम साहब, माशाल्लाह बड़े कमाल के मुफ्ती, अजीम तरीन सखी अल्लाह की दरबार में खड़ा है। हाँ बंदे बोल, अल्लाह मेरे इतने अमल, फरिश्तों इसे जन्नत में भेजो, जन्नत में जाने के लिए कदम उठाएगा इधर से आकर के एक हाथ पकड़ेगा, कहे रब्बे जुल जलाल सारी जिंदगी इंतजार किया था इस दिन का, तेरा दरबार लगेगा, दुनिया में मेरी सुनी नहीं गई, मैं छोटा था, मैं मजबूर था, मैं हकीर था, और मैं सोसाइटी के अंदर इतनी इज्जत मेरी वैल्यू नहीं थी, और मैंने इसका किया भी कुछ नहीं था, बिला वजह इसने मुझको गाली दी थी, मुझे आज बदला दिलाया था। जुबान के साथ तेज तरारियां दिखाने वालों, आखरत की कामयाबी में अकीदा भी जरूरी, कलमा भी जरूरी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी जरूरी, अफ़दलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी, ईमान खालिस भी जरूरी, ईमान के बाद अमले साले भी जरूरी, अल्लाह की तौहीद भी जरूरी, पैगंबर की सुन्नत और तरीकत भी जरूरी, और लोगों दावत और तबलीग और इबलाग भी जरूरी, सबर हौसला इस्तकामत भी जरूरी, ये सब लेकर के आया, मगर इसने क्या किया था, आमाल बना के सेफ नहीं किया था। भाजी तड़ लगी हो कणक दी, थ्रैशर ला के तूड़ी भी कड़ ली, दाने भी ले लै, ते उत्तू मीह छटा पैण वाला, तो बस उत्थे ही सुट आया, तो तूड़ी हवावां ने उड़ा छड़नी सी, ते इन्हें पल्ला बना के या उन्होंने बाद च लिपया नहीं, गई ना फसल, चोर डाकू तो बाद की बात है, मौसम ही नहीं छोड़ते, संभालनी पड़ती है कि नहीं,
मगर ये नेकियां कर कर के फख्र करता रहा, मैं तहज्जुद पढ़ने वाला, मैं क़याम करने वाला, मैं रोज़े रखने वाला, मैं ये करने वाला, उसकी नेकियां उसको दे के कहा जाएगा तू तो चल ना जन्नत में, इसको देखते हैं। दूसरा आया, अल्लाह इसने ज़्यादतियां की थी, बदला दिलाया जाए, दिरहम और दिनार भी नहीं, दुनिया की करेंसी भी नहीं, यूरो और रियाल भी नहीं, रुपया पैसा और डॉलर भी नहीं, नेकियां दे दो ले जा। तीसरा आया, अल्लाह इसने बोहतान लगाया था। चौथा आया, एक एक को दे दे के दे दे के दे दे के दे दे के रब रवाना करता रहा। अभी ज़्यादतियां जिनके साथ हुई थी वो बाकी हैं और इसके अमल ख़त्म हो गए। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके गुनाह इसको देते जाओ, गुनाहों से भरा गया। और एंड क्या हुई, सुना है ना मुस्तफ़ा की बात को, यकीन है ना इस हदीस पर, फरमाया आका ने है, मैं नहीं कह रहा, ये कामयाब तरीन समझा जाने वाला नमाजी मुहद्दिस फकीह अदीब खतीब मुबल्लिग़ ज़बरदस्त किस्म का इमाम बहुत बा कमाल जो है वो तहज्जुद गुजार, माथे पे मेहराबे, घुटनों पे निशान, टखनों पे निशान, लेकिन आज पकड़ा गया और जकड़ा गया। क्या हुक्म हुआ कि इसके जितने गुनाह लोगों के इस पे डालो, इसकी गर्दन के साथ बांधो और इसको उठा करके फेंको जहन्नम में। और इसमें वो बदनसीब भी है जिसकी सारी ज़िंदगी की नमाजें अपनी जगह, मगर इसने मस्जिद किसी गरीब के प्लाट पे कब्ज़ा करके या एक बलिश्त दीवार बढ़ा के या चार इंच, एक बलिश्त में इसलिए कह रहा हूँ कि ये रसूल सल्लम के फरमान में है, शिबरन एक बलिश्त कब्ज़ा किया नजायज़ किसी भाई की ज़मीन पर, कल क़यामत को सात ज़मीनें उतनी काट के इसके गले में उसका लोड और वज़न डाल के फंदा बना के इसको जहन्नम में फेंका जाएगा, सर ही ना उठा सके। भाइयों, किसी को मार के उसकी लाश में गर्दन के साथ एक मन का पत्थर बांध के नीचे फेंक दे, ऊपर नहीं आएगी, ये तो जहन्नम है। तो नतीजा क्या निकला कि अकेले तौहीद, अकेला कलमा, अकेली नमाजें, अकेले रोज़े, अकेली हज, अकेली ज़कात, अकेले जिहाद, अकेले रब के सामने तस्बीहात। हालांकि मेरा तो ईमान है जो एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़े, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़े, फ़ज़ाइल में तो हम बयान कर जाते हैं। महबूब को जब रब ने मेराज पे बुलाया ना, तो अल्लाह ने महबूब को दोनों जन्नतें दिखाई, समझते हैं दोनों जन्नतें। एक जन्नत वो है जिसके महल अल्लाह ने खुद तैयार किए हैं, रेडीमेड है और बड़ी कमाल की बनी हुई है। हाउसिंग सोसाइटियाँ भी दो तरह की, एक में खाली प्लाट मिलते हैं, एक में बनी हुई, जाकर के बस अपने नाम करवाओ और सामान रखो और बैठ जाओ। जन्नतुल फिरदौस और उसके तहत बनी हुई जन्नतें रब ने दिखाई, दूसरी जन्नत भी दिखाई। महबूब ने आके उम्मत में ऐलान किया, लोगों मैंने जन्नत देखी, अल जन्नतु कयान, जन्नत तो सारी टेंडर पड़ी है। टेंडर समझते हो नवे शहर वाले की, खाली सरकारी जगह, खाली जिदा दिल करे जिन्ना कब्जा जमावे और पता चल जैसी टेंडर है। सियासतदान भी बढ़ता है, हुक्मरान भी बढ़ता है, डॉक्टर भी बढ़ता है, वकील भी बढ़ता है, खतीब अदीब भी बढ़ता है, आम आदमी भी जाता है, कब्जा करो अपने नाम करो। मुहम्मद रसूल सल्लम ने फरमाया अल जन्नत कयान, जन्नत सारी टेंडर पड़ी है, मुसलमानों अपने नाम कर लो। महबूब अपने नाम कैसे कर ले, कहा जो बंदा एक दफा सुबहान अल्लाह बोलता है, सुनिए ना हदीस उलमा से, एक दफ़ा सुबहान अल्लाह बोलता है तो क्या होता है, उस जन्नत में उसकी रजिस्ट्री का दरख्त लग जाता है उसके नाम का, और उसको इतनी लंबी शाखें दी जाती हैं कि एक तेज़ तरीन अरबी नस्ल घोड़े पे सवार, घुड़सवार कितने साल दौड़े, 100 साल दौड़े और सरपट दौड़ाए, लगातार दौड़े, दौड़ते 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 जितना सफ़र वो करेगा इतनी दूर तक एक दफ़ा सुबहान अल्लाह कहने से वो जन्नत तेरे नाम हो जाएगी। आका झूठ तो नहीं बोलते, कोई शक शुक हो, सच्चाई पे मबनी, सबसे सच्ची सबसे उम्दा बात, तो जन्नत तो इतनी बना चुकी थी, पता नहीं इसने कितनी तस्बीहां फेरी थी, कितनी दफ़ा सुबहान अल्लाह, कितनी दफ़ा टक टक, कितनी दफ़ा अल्लाह अकबर, कितनी दफ़ा ला हौला वला। और पता है ला हौला वला क्या है, ला हौला वला ये अरश के खजानों में से खजाना है, और अरश का खजाना क्या है, रब के अरश के बिल्कुल नीचे बैतुल मामूर और उसके नीचे जन्नतुल फिरदौस। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ने वाले को रब ने देनी ही जन्नतुल फिरदौस है।
मगर ये छिनती कब है? जब बीवी शौहर का और शौहर बीवी का दिल तोड़ता है। नाराज ना होना, गुस्सा भी ना करना, तो जे कर लोगे तो आज गल बन जाएगी। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, यही तो है। हमने कभी महसूस किया ही नहीं कि मेरी फसल है। आज जिन्ने जट ने ना बुढ़ी भावें उजड़ जावे फसल लगाया होंगे, हकीकत है। और जितनी फसलें हैं सब रिश्तों को संभालती फिरती हैं, असल बर्बाद हो रही है। बंदा भावें जिन्ना मर्जी रुल जाए, ये बेचारी के मुँह चो इदा ही निकलता है, हाँ है नहीं। अब बंदा तो हो ना मेरी भैन वर्गी का, वह बंदा वेख अपनी प्लेट में चावल थोड़े नजर आए, पूरे इलाकों में हुंडा देखा, मेरे हुंडे की लाइट थोड़ी है, जिहड़ा सामने आउण दिया ना इहदी लाइट बहुत है। ओए लोगो, रब के लिए नहीं, सुनिए, शक्ल भी रब बनाता है, अकल भी रब बनाता है, वजूद भी रब बनाता है, जिस्म भी रब बनाता है, रिश्ते और जोड़े भी अगर रब बनाता है तो सिर्फ दो बातों पर राजी हो जाओ, फर्ज समझ के दुनिया अच्छी हो जाएगी। पहली, शादी की जब भी बात आए तो छोड़ देना कि जो मेरी अम्मी अब्बू को अच्छा लगेगा वही जोड़ा अच्छा। सबक औखा जरूर है लेकिन एक दफा समझ आ जाए तो इससे मैंने ज्यादा कामयाब जोड़ा नहीं देखा। रदी तो बिल्लाही रब्बी, और फिर बंदा ये सोचे कि मेरे बाप की रजा में रब की रजा है और मैं रब की रजा पर राजी हूं। फिर काली कलोटी बीवी भी होगी ना तो खूबसूरत लगेगी, क्या ख्याल है? तो मोटे नक वाला तो छोटे कद वाला भी बंदा हो तो सोना लगेगा, क्योंकि रब ने मेरे लिए ये चुना है। मैं नहीं कह रहा, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ना आदमी आके कह गया मेरी बेटी जवान है, कोई रिश्ता है तो बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लम मुझे बीवी की ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत है। आपने कहा फुलां घर चला जा, वो आया था मुझे कह के गया था रिश्ते का, तो ज़रा जाके कह के मैंने भेजा है। इसने दस्तक दी, बाहर आया, बाबा जी ने पूछे हाँ जी किवें आउण होया, क्या जी तुसीं रसूल सल्लम दे ज़िम्मे रिश्ता ला के आए सी, उन्होंने मैनू भेजे। सिर तो लैके पैरों तक पसीना आ गया, छोटियां छोटियां कंधा, तो उदे नाल घरन डिया कि मैं कह के तो आया सी लेकिन मैं इदा का तो नहीं सी आख्या कि उन्हें तेनों ही टोर छड़िया, तेरा तो मेरी कुड़ी का कोई जोड़ कोई नहीं। अच्छा ये बात ना सुन रही थी अंदर बेटी, कहा कि तू चल मैं आता हूं, वो बेचारा औखे जे पैर करके टुर पिया होना नीवा नीवा होके, सोहणिया ने भेजे आगू मैनू आ जवाब मिलन डिया। बेटी सुन रही थी कहा अबू ये आदमी क्या कहता था, धीए वड्डिया दी गल्लां च नहीं आएगा, नहीं 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 वड्डिया दी गल्लां च मैं नहीं आंडी, तुसी सोहणिया नू कह के आए सी? हाँ मैं क्या सी, उन्होंने भेजे है ते तेरे कहा। जब आप जिनके जिम्मे लगा के आए थे, कायनात के सबसे अजीम इंसान हैं, अगर उन्होंने भेजा है तो इसे मोड़िए नहीं, बुला लीजिए, मुझे रिश्ता कबूल है। रदी तो बिल्लाही रब्बा, बाप को माँ को विलायत की अथॉरिटी मैंने नहीं दी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अगर पैगंबर के नबी होने पर, महबूब होने पर यकीन पक्का है और सच्चा है, अपने माँ बाप को मुअज्जज कर दे, जब तू माँ बाप पे राजी होगा अरश वाला तेरे इस रिश्ते पे राजी होगा, इतनी खैर देगा तेरी नस्लों तलक चलाएगा कि क्यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। तो जे माँ प्यो का दिल तोड़ के ते अपने दिल का ही ख्याल रखिया, ते एडा जा गोल पीपल का पत्ता बना के इधर आई ते विच ओ ते इधर यू पाया ते उधरों तीर ठोकिया, हाँ जी फिर पता है नतीजा क्या निकलना है? रिश्ते भी गए, रिश्तेदार भी गए, खानदान भी गए, पगड़ी भी गई, इज्जत भी गई, और ताल्लुक भी गया, मवद्दत भी गई, एतबार भी गया, हया भी गई, घर भी गया, बिरादरी भी गई, कबीला भी गया, गांव वालों में भी बातें बनी, ज्यादा से ज्यादा एक कोर्ट कचहरी अदालत, एक वकील किराए के गवाह जो बाद में तुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो माशाल्लाह दूजे चौथे दिन पता लगना, बेगम ने कहना वो गड्डी कितने वे जी जिदे ते मैनू लैके जाते, हाँ आए हाँ पाच पता लगना वो तो किराए दी सी, वो जो मुझे डिग्रियां दिखा रहा था वो मैं किसी की लैके फोटो कापी कराई सी, वो जी कोठी च मैनू लैके आया सी वो कितने वे वो किराए दी सी। फिर जब ठुडे लगने हैं ना फिर रोना है तो रोया नहीं जाना।
फिर मैंने देखा है ये लव की शादियां, ये टूटते हुए दिल, जिसकी खातर सबके दिल तोड़ के ऊपर से गुजर करके, जिसको अपने दिल की शहजादी बना करके ब्याह करके लाया था, मैंने देखा है उसी बीवी के चेहरे पे तजाब भी उसी शौहर ने डाला है, और मैंने देखा है उसी शौहर के जिस्म के टुकड़े करके बकायदा चावलों में डाल के बिरयानी बना के मोहल्ले वालों को खिला के निकली है। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। सबसे पहले मियां बीवी एक दूसरे के बारे में एतबार फर्ज समझ के हुकूक की अदायगी करो, फर्ज समझ के, मजबूरियां समझ के नहीं, फर्ज समझ के, कि ये मेरे जिम्मे है, ये काम मैंने करना है। दूसरे को मौका ही ना मिले बोलने का। जब तुम दोनों आपस में एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बनोगे, सुकून का बायस, और सुकून क्या होता है, मेरे जितने रिश्ते हैं ना वो कदर में हूं, मसलन मैं घर में नहीं हूं, मैं घर में नहीं हूं, मेरी बीवी इस वक्त सुन नहीं रही, और मैं कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू भी नहीं बनना चाह रहा, मेरे रिश्तेदारों में से कोई भी रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता मां बाप का होता है, हमारी जिंदगी बाहर गुजरती है, लेकिन रब शाहिद है मैंने अपनी माँ के मुंह से ये तन्हाइयों में जुमले सुने, उत रब ने पांच पुत्र ते चार धियां दितियां, लेकिन जिन्ना सुख मैनू तेरी बूढ़ी चू है ना मैनू किसी होर चू नहीं, मैं मुँह चू गल कढ़नी है पूरी हो जाती है। वो अपनी बीमारी भुला के 11 ऑपरेशन, बाजू कटे हुए, हाथ पाँव टांगे चिरी हुई, लेकिन इसके बावजूद बेटा रात के किसी पल, दिन के किसी मरहले, ये जुमला था मेरी मां के मुंह से निकला हुआ जो आज तक मेरे दिल का सुकून है। क्यों? जब मेरे रिश्तों की इज्जत होगी तो मुझे सुकून मिलेगा, और अगर नहीं करेगी, अलग ले जाएगी, तन्हा कहीं दो अढ़ाई मरले के मकान में रह लेगी, मैं जितना मर्जी, लेकिन मैं दिल में सुकून में तो नहीं हूंगा कि मेरे भाई दरवाजे पे आए और मोड़ दिए जाएं, ये तो रोज टूरे ने, और अपना भाई अभी लाहौर एयरपोर्ट पे हो, मुझे और बेटे को भगाया जाए, जाके मामू आ रहे ने लेके आओ, तो फिर जब ये फर्क होते हैं तो सुकून नहीं होता, ये जोड़ बराबर का नहीं है। रब ने जोड़ बनाया है और सुकून के लिए बनाया है, और सुकून कब होगा, जब मेरे रिश्तों की कदर उसकी नजर में हो, उसके रिश्तों की कदर मेरी नजर में हो, ये चीजें बायसे सुकून है। वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिर प्यार बढ़ते हैं, फिर मोहब्बत बढ़ती है, फिर इज्जत होती है। और ये मवद्दत की मिसाल भी दे दूं, क्यों कामयाब कैसे होते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पहले है, आयत का ये टुकड़ा पहले है, वफिल आखिरती हसना आगे है, इसी दुनिया में रह के आखिरत कमानी है, आखिरत कैसे कमानी है, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद पे नजर रखो। मैं चौथी क्लास में गालिबन था, मैं अपना होमवर्क रात को, जब अंधेरी रातें तो चांद जरा लेट निकलता था, और जब बिल्कुल अंधेरी हो जाती तो दिए पे काम करता मस्जिद में, ठंडी रात है सर्द, मस्जिद में बैठा अपना होमवर्क कर रहा हूं कि बाहर कोई लकड़ियां तोड़ रहा है, आवाज आई, भाई इतनी लेट नाइट, सर्द रात और कोई लकड़ियां तोड़ रहा है। मैं बाहर निकला तो हमारे घर में एक जोड़ा मेहमान आया हुआ था, बाबा जी की उम्र 100 के लगभग और अम्मा जी की 90 के इर्द गिर्द कहीं थी, और गधे पे ये सवार होके आए थे, हम उनको हाजी साहब कहते थे, बड़े नेक इंसान अपनी ज़िंदगी में, जिनको मैंने देखा उनमें से एक वो भी। तो अम्मा लकड़ियां तोड़ रही है बुढ़ापे में, हाथ कांप रहे हैं मगर लकड़ियां। मैं पास गया, मैंने कहा अम्मा क्या पे करें, देवे सराकी थी, अके पुत्र तेरे डाडे नमाज पढ़नी है, तहज्जुद तेरे डाडे नमाज पढ़नी है, तो मैं उनको पानी गर्म करते दे मैंने। वो भाई आज के दौर में हम तो देखते हैं बेटे को, सके बच्चे को, बेटी को रात के वक़्त सुई गैस भी मौजूद, ओवन भी मौजूद, एक टच के फासले के ऊपर दूध गर्म हो सकता है, लेकिन अम्मा कहती केड़ा होना इस वेले रजाई छड़ के उठे, ठंडा ही बच्चे को दे दिया। लेकिन ये बूढ़ी अम्मा पिछली रात तन्हाई और ठंडक, लकड़ियां तोड़ के पानी गर्म करके देना है। हैरान हो गया, पानी गर्म किया, लोटे में डाला, लोटे उस वक्त ये स्टील के पीतल के ये होते थे, पानी उसमें लिया, तो मैंने कहा अम्मा मैं डाडे को दे आमदा, कि दादा अबू को मैं जा करके देता हूँ,
मैं वजू आके कहना पुत्र ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसने लोटा उठाया कांपते हाथों के साथ, हाजी साहब को जूता सीधा करके दिया, उठे वजू करवाया। वो मस्जिद में आए तो मैंने उनको बुलाया, मैं कहा दादा बहुत खुशकिस्मत हैं, दादा बू आप बड़े ना नसीबों वाले हैं। अके पुत्र किवें, मैं कहा बूढ़ी थी गई है अजा तेरे पेर धोएं दी वधी है। वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मौत जुदा करे तो करे, दीगर चीजें आपस में दूरियां पैदा ना करें। ओए आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल ना टूटे के ये बिकता नहीं बाजारों। पता दादा बू क्या कहते हैं, अके जया पुत्र मैं दे तू राजी हाँ, मैं दे तू खुश हाँ, और जिस पे शौहर खुश हो रब खुश क्यों नहीं होगा। लेकिन ये फर्ज निभाने पड़ते हैं, दिल संभालने पड़ते हैं, फिर जाकर के नस्लें अच्छी होती हैं। मगर जब हम नस्लों को ये बता रहे होते हैं, आइए सारी कामयाबियाँ अपनी जगह आप उलमा से सुनते हैं, इसलिए मैंने हुकूकुल्ला को छेड़ा ही नहीं है। आपको पता है तौहीद क्या है, अकीदा क्या है, रिसालत क्या है, नमाज रोज़ा हज ज़कात फ़ज़ाइल और अहमियत क्या है, मगर यहाँ सुनिए क्या बनता है। अम्मा कहती है घर में चूँकि औलाद उसके पास होती है, वो बच्चे हो अब मैं पैन लगी हाँ लम्मी हूँ, तुहाड़े प्यो दे आण दा टाइम हो गया, अब मैनू इतों लीड़ा फड़ाई सिर घुट के बन लिया लम्मी पै गई, तो नाल ही औलाद नूं दस्या वेखे हुण इहने कड़क दे आउणा बिजली वांगू। बच्चों का जहन पहले ही बन गया कि अब्बे ने कड़क दिया ही आना। अब ये स्लो पॉइजनिंग हुई है, हक मारा गया है, दिल तोड़ा गया है, काटा गया है, चीरा गया है, चीरा गया है। सरकार सुनिएगा, कभी मां ने चूल्हे पे फोन मिलाया, सी भैन नाल गल होण डई सी, रोटी कमाउण डई सी, वो कितने कमाउंदिया कमाउंदिया तवज्जो इधर सी, उंगलियां तवे नूं लग गईआं, आ तुहाडे प्यो नूं इहनूं पकाउणियां पै जाण, इनू खलोना पवे अग ते, मुफद्दा बाहरों आण के वेला फिरदा रहिंदा। अच्छा बच्चे फिर हाँ भई अम्मी ने बड़ी कुरबानी दी है, उंगलियां साड़ियां तवे ते जन्नत खलोती घर च, ये अब्बा बाहरों एवें तपया हुंदा ब्लड प्रेशर हाई हुंदा। और कभी बच्चों ने शोर किया तो अम्मा फिर बोली, ये लोध सांभणी पवे ना तुहाडे प्यो नूं। मेरे ये जुमले सारे याद रखना, मैं आगे आऊंगा। दिल कैसे, बच्चों की तरबियत कैसे मनफी जा रही है, और हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। चौथा जुमला, थोड़ी जी लक पीड़ ढिड पीड़ हुई ना, तुहाडे प्यो नूं जमना पैंदा ना एक, हाँ मैं यारां जम के भी हाले इहनूं इही लगदा मैं उबड़ा, इहनूं पैंदा जमना, इहनूं चुकना पैंदा, कोई नौ महीने पता लग जांदा। हजरात इन्हीं जुमलू पर रुकी है, सबसे पहले इन्हें वेलिया बाहरों तपिया आना है, ठंडे दिल से सोचना। जब बाप धूप में काम कर रहा होता है, शौहर आग पे काम कर रहा होता है, जहां ढलाइयां होती हैं लोहे की, जहां बेकरियां हैं और अंदर बिस्कुट पक रहे हैं, आग के अंदर जो काम कर रहा होता है वो मर्द होता है, वो बाप होता है, वो शौहर होता है। ये अगर देखा नहीं आज तक बाप ने, बीवी को शौहर ने जाके दिखाया नहीं होता कि मैं रात कहां काम करता हूं, अगर पता लग जाए तो अल्लाह की कसम दुनिया दोबारा कहीं शौहर को या बाप को जाने ना दे। जिस कदर वो आग में, आपने आसान समझ लिया है, कम से कम आप पंखे के नीचे तो हैं, एयर कूलर के नीचे तो हैं, एसी के नीचे तो हैं, लेकिन औलाद की तरबियत नस्ल का बिगाड़ कहां जा रहा है, और बाप के सीने पे छुरियां कितनी चलती हैं। लेकिन मैंने दुनिया में अगर सबसे साबिर किसी को देखा है तो बाप को देखा है, नरम दिल देखा है तो इसी को देखा है, नहीं आंसू बहाता तो सिर्फ इसलिए कि दुनिया कहीं मेरी अंदर की कमजोरी ना समझ जाए, बड़ा सख्त बन के रहता है, लेकिन कहीं बच्चे को थप्पड़ मार बैठे, थप्पड़ तो मारना दूर की बात, झिड़क भी बैठे तो सारी सारी रात अंदर रोता रहता है। एक बाप होने के नाते कह रहा हूं, बीबी जरा सोचना जरूर। दूसरी चीज, उंगलां सड़ गई हैं जरा, तुझे नहीं पता कि ये कहां कहां जलता है, इसके बाल कहां उड़े हैं, कितनी कितनी बुलंदियों पे जाके, सरियों पे चढ़ के, मैंने ये बिजली की तारों को लगाते हुए जब ऊपर इन पे लटकते रस्से बांध के क्लिप्स के साथ लटकते हुए और खंबू पे चढ़ के करंट से मरते हुए देखा है, और इनके जिस्म और वजूद को कोला होते देखा है, बॉयलर में जल के बॉयल हो गया। पकोड़ा इतना जला हुआ नहीं होता जितना ये भी शौहर था, ये भी बाप था, मगर तूने जाना नहीं, कम अज कम घर की छत के नीचे तो है, छांव पे तो है, ये धूप में जले, ये आग में जले, ये लोहों पे जले, और तूने बोला
इनू लोध सांभनी पैंदी। दुनिया में हमने औलादें पाल के भी देखी हैं, सब तू औखा अंब का बूटा पालना तो फिर गन्ना, और कमाद नू वढ़ के फिर इहनू छिल के दे पूले बनाउणा है। गन्ने नाल गन्ना जुड़दा ही नहीं, इहनू खोरी नाल खिच के बनना तो फिर पूले चुक के तो इहनू ट्रालियां ते सैट करना, फिर रस्सियां नाल जकड़ना तो फिर इनू वह बन्निया चू तो वाहन चू कढ़ के ट्रालिया नाल ते अगू ट्रैक्टर का मूँह चुकया जा रहा है। टना मन वजनी, और ये थोड़ी सी झोल इधर आई तो इधर को गया, इधर आई तो इधर को गया, कहीं दीवार में चला गया। ठंडी सर्द रातों में तेरे इन्हीं रोड्स के ऊपर चलते हुए ट्रैक्टर और पीछे ट्रालियां टनू मन गने, जो इनको लेके जा रहा होता है वो बाप होता है या शौहर होता है, वो भी दिल रखता है। कितने कितने दिन फैक्ट्रियों के बाहर, मिलों के बाहर उस ट्राली थले मंजी कपड़े दी बन के बेच जेड़ा लम्मा पिया इनू प्यो ही आंदे ना। ये जिहड़ी इन्नी लोध सांभी फिरनी है ना, ये इन्ना कुछ तेनू एंड ते लभना की है, यही तू साडे लई कीता की है, कीता की है। और फिर मैंने सुना इनू चुकना पैंदा ना 9 महीने ढिड च, ठीक है तेरी तकलीफ का अल्लाह ने तुझे 3 दर्जे अजर दिया है, बाकी सारी जिंदगी बाप ने ही उठाना है। 50 ईंटें मैं घर में आया कॉलेज से, मजदूर को देख रहा हूँ रस्सी पकड़ी है कमर के ऊपर ईंटें हैं, मैंने गिनी तो 50 ईंटें। ये जो 7-7, 10-10 मंजिलें चढ़ के सारी जिंदगी बोझ ईंटों का उठा रहा है ना, ये बच्चों का बोझ है, ये कुबड़ी कमर, ये बुढ़ापे में कुछ ना होते हुए भी नहीं दिखता तो जाग रहा है, ये चौकीदार बन के पूरी पूरी रात पहरे दे रहा है, ये सीने पे गोलियां खा के जान निछावर करके जाते हुए पेंशन तेरे हवाले कर जाता है, इसे शौहर कहते हैं, इसे बाप कहते हैं, ये भी दिल रखता है। इसके दिल की कदर कर, और फिर ये बच्चों में आके तेरे दिल का ख्याल रख के कहे कि हाँ 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 तू ऐसे है। जब ये दिल संभाले जाते हैं तो नस्लों की तरबियत होती है। मिसाल देने लगा हूँ, समझिएगा, मदीना है, मेरे महबूब के परौने आ गए, मेहमान आ गए। परौने और मेहमान महबूब के हैं, सरदारों के होते हैं, सबसे बड़े सरदार मेरे महबूब थे। आपके उस वक्त मदीने में 12 हुजरे थे, जबकि ये रिवायत है 12 हुजरे। अगर आप कहना चाहें नहीं याद तो मैं गिनवा भी सकता हूँ, सिवाय सैयदा खदीजा के मेरे महबूब अली सलातो वस्सलाम के मदीने में 12 हुजरे थे। सैयद आयशा रदी अल्लाह ताला ना का, सैयद हफ्सा का, और सैयदा हफ्सा के साथ सैयदा उम्मे सलामा का, सैयद ज़ैनब बिनत जहश का, सैयद ज़ैनब बिनत खुज़ैमा का, सैयद जुवेरिया का, सैयद उम्मे हबीबा का, सैयद मैमूना का, सैयद हफ्सा का, सैयद रिहाना का, और सैयद मारिया किब्तिया का। ये 12 हुजरे हैं, और 12 में महबूब ने खबर भेजी, मेहमान आया है घर में, खाना वाना, घर में खाना। 12 हुजरों से खबर आई, महबूब अल्लाह का शुक्र है जैसे पहले 29 दिन चूल्हा नहीं जला, आज भी कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह अकबर। यहाँ बीवियों की तरफ से जवाब आया है, और पैगंबर ने शिकवा नहीं किया और बीवियों ने भी शिकवा नहीं किया, सोने कर दिता कीजे लैके, कोई शिकवा नहीं। दिल वाले ने दिल से भेजा और दिल वालियों ने दिल से जवाब दिया। दिल वाले ने दिल रखने के लिए जब पैगाम भेजा, दिल वालियों ने दिल रखने वाला जवाब भेजा। अल्लाह का शुक्र है जैसे पहले दिन वैसे आज। महबूब ने भी रब का शिकवा नहीं किया, पहलू के लिए मन सलवे उतारता था, साड़ी वारी आई है तो साढ़े परौने भी भेजन डे, एक घर च कुछ नहीं, तनखाहदार तबके को पता है। पहले 5 दिन बड़ी खुशी नाल कीते, इत्थे ला उत्थे ला, चला यार भले खा ला, वो खा लै, दावत कर ले, वो कर ले, 10 तारीख तक सारे बिल शिल क्लीयर करके 15-14 तक वीरां कोलों मंगणे दा 500-100 रुपया मिल जाऊ। 20 तारीख नूं सज्जे खब्बे वेख के जदों हर पासों जवाब है, फिर यही सोचते यार किसी के परौने ना टुर जाइए तो नाल कि अपने घर आ जाए, अल्लाह होर ना भेजी तेरी मेहरबानी है। लेकिन मेरे महबूब ने रब का शिकवा नहीं किया। एक दफा नजर उठाने से किबला तब्दील हो सकता है तो हालात भी बदल सकते थे। गए थे रब ने मेराज में, जन्नत के महल दे सकते थे, खाने उतर सकते थे, मगर बताया कि तेरे पैगंबर का तरीका और तरबियत और उसवा और सीरत, दिल रखना भी दिल रखवाना भी है। आपने ऐलान किया हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा, तो मेहमान दे सामने गल कहनी बड़ी औखी, बड़ी औखी।
ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਫੀਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਲੱਗਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਵਾਕਫ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਮੈਨੇ ਵੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਹਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ, 30 ਆਦਮੀਓ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਸੇਹਰੀ ਔਰ ਅਫਤਾਰੀ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਗੇ ਘਰ ਕਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਸੇਹਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਏ ਸਫੀਰ ਆ ਜਾਏ ਫੁਲਾਂ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਨਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਨਕੀ ਵਜ਼ਾਦਾਰੀ ਔਰ ਖਾਤਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਹੋਗੀ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਉਨ ਮਸਜਿਦੋਂ ਕੇ ਆਜ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਡਰ ਜਾਣ, ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਨਵਾਬ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸ਼ਰਕੀਆ ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਨਵਾਬ, ਉਸਕੇ ਗਾਓਂ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਗਾਓਂ ਹੈ ਸੋਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਲਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਸੋਲਾਂ ਭੁੱਖੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਲਾਂ ਭੁੱਖੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ, ਯੇ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਕੇ ਦੌਰ ਕਾ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਕਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਮੈਂ। ਹਦੀਸ ਕਾ ਸਿਆਕੋ ਸਬਾਕ ਬਤਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੇ, ਸਫ਼ਰ ਸੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? 5 ਬੀਆਂ ਰਲਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ, 5 ਬੀਜ, 5 ਬੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੀਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੇ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੇ ਬਹਿਨ, ਫਿਰ ਬੀ ਸੇ ਬਹੂ, ਇਹ 5 ਬੀਜ ਘਰ ਮੇਂ ਅਕਸਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਯੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਖਾਨ ਰਾਠ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਬਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਕੋ ਜੀ ਇਸਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੇ ਦਸਤਕ ਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹੈ, ਤੀਨ ਬਾਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਂ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਜਬ ਇਹ ਮੈਨੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਕਹਾ, ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਿਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਘਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੁੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂ ਆਈ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਆਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਪੇ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤ ਪੇ ਐਸੇ, ਵਗਰਨਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਘਰ ਐਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਜੋ ਹਮਨੇ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਨਾ ਕਹਿ ਕੂਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਬੰਨੀ ਹੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਫੀਡਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਗੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਵੋ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਆਈਏ, ਯੇ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਥ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੇ ਯਕੀਨ ਥਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਹਾ ਯੇ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਯੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਦਿਲ ਰੱਖਤੇ ਤੋ ਬੀਵੀ ਵੀ ਦਿਲ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ, ਸੰਭਾਲਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੌਕਾ ਮੁਨਾਸਬਤ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿਆ ਬੱਚੇ ਸੁਲਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਥਪਕੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਚੀਖ ਉਠਾ, ਰਜ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇਖ ਲੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਭੂਖੇ ਲਾਲ ਥਪਕ ਕੇ ਸੁਲਾ ਦੀਏ। ਬੱਚੇ ਸੋ ਗਏ, ਕਹਾ ਜੋ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਾ ਜਬ ਮੈਂ ਬੈਠਣੇ ਲੱਗੂ ਨਾ ਤੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਛੱਡੀ, ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ
गुजरी, पल्ला घुमाया, दिया बुझ गया, मेन स्विच उठा दिया गया, अंधेरा हो गया। ये बैठे मेज़बान भी साथ खाने की अदा करते रहे जैसे खाना खा रहे हैं। मेहमान ने खाना खाया, पेट भर के खाया, वो सारी रात सोया, ये भी भूखा, बीवी भी भूखी, बच्चे भी भूखे, ना शौहर मरा ना बीवी मरी ना बच्चे मरे। मेहमान की इज्जत अफजाई ऐसी हुई कि 1400 साल हो गए ये बात मिसाल बन गई, मेहमान नवाजी मिसाली हो गई, शौहर की कदर मिसाली बन गई, बीवी का लिहाज मिसाली बन गया, मेरे पैगंबर की तरबियत मिसाली बन गई। लोगों ये लोग थे जिनको रब ने कहा रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हो, मैं इनसे राजी हूं, और कयामत के दिन सबसे बड़ी कामयाबी व रिजवान मिन अल्लाह अकबर। सबसे बड़ी कामयाबी क्या? रब की रजा। रब की रजा मिलेगी तो क्या होगा? फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जिससे रब राजी हो गया जहन्नम तो दूर, मेरा रब सूरज की धूप भी नहीं लगने देगा। आ जा मेरे अरश के साए में, आ जा, आ जा मेरे अरश के साए में, आ जा। ये अरश का साया जिनको मिलना है ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में लोगों के दिल का ख्याल रखा होगा। और ये आखिरी हदीस और इस पर बात ख़त्म। पहला था इमामुन आदिल, इमामुन आदिल, अगर मस्जिद का इमाम है तो वो भी मुराद, हुक्मराने वक़्त है तो वो भी मुराद। अल्लाह ने जिसको किसी में फ्रंट पे फ्रंट मैन बना दिया, लीडर बना दिया, सरदार बना दिया, चौधरी बना दिया, घर का बड़ा या वडेरा बना दिया, वही इमाम है, करेगा क्या? अदल। दिल की जो जगह है दिल पे रखे अदल है, अदल समझते हो? वजू शैफी महल, जिसकी जो जगह है उसे वहां रखा जाए। ऐसे इलाके च मैं थोड़ा जहा अगे वेख्या, एक दिन टुरया जाता सा गड्डी ती, तो बीबिया ने ना जुत्ती ला के तो सिर ते रखी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या तो पैरी पाउण ली होंगी, मैंने गाड़ी स्लो की, ब्रेक लगाई, मैं नहीं वेख्या की हो तो कौन आ। मैं क्या माँ जी गुस्सा ना करो तो एक गल पूछा, मैं क्या मैं मुसाफर बंदा, हाँ मैं पहली दफ़ा वेख्या कि जुत्ती सिर ते रखी, हाँ है नखपनी पैर वढ़ दी सी मैं सिर ते रख ली, टुरन नहीं देंदी। लोगो याद रखिए, टोपी ला के पैर सड़न तो पैरों थले नहीं बनी दी, क्या ख्याल है? तो जुत्ती तंग करे तो सिर ते नहीं रखनी चाहिए। जो मुकाम है वो वही चीज अच्छी लगती है। कयामत के दिन अल्लाह अर्श का साया क्यों देगा? तू हुक्मरान था, मेरे बंदों का दिल का ख्याल रखा, की ख्याल है? तो हूं तो कहते ना असी की करिए, थोड़ा और सबर करो, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। लेकिन वो हुक्मरान ऐसा था, उसे फिक्र थी कि कुत्ता भी फरात के किनारे प्यासा मर गया तो पूछा मुझे जाना है। फिक्र थी, सोच थी, ख्याल था, तड़प थी, दिल का लिहाज था। आटे दा गट्टू मोढ़े ते रखते बैतुल माल तू चुक के जाके घर दे के आवे, ते खतूने अव्वल किसे जाके खैमे दे विच किसे दी जिचगी दे मुआमले च मदद कर रही होवे, इनू कहिंदे ने दिलां दे पासबान, इमाम उन आदिल। दूसरे नंबर पे वशाब उन नशा फी इबादत इल्ला, वशाब जवान, तो जवानी जी तुहानू पता दिल फिर धक धक तो करता ही है ना, ये किसी दे कोठे दे गेड़े तो होया ही रहिंदा है। लेकिन अल्लाह ताला के बंदगी में झुक के जिया, अरश का साया। व रजुल कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, बाबा बुढ़ा भी हो जाए ना कि तन्हाई च बह के पूछिए बाबा जी सुनाओ, पुत लंघ गई बल्ले वो गुजारिया बल्ले, आ बाबा जी गुजारा कि शायद ना रखा जे, बस यार तेन की दसा, असं भी जवान होंगे साढ़े ते भी वेला सी, साडा भी प्यार सी, सानू नहीं लभ्या, बस कबर चुना हूँ अल्लाह गई। लेकिन क्या है हदीस के जुमले, वह रजुल कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, दिल बनाया है दिल धड़केगा, खून है रवानी होगी, रवानी है जवानी होगी, जवानी है तो मस्तानी होगी, मस्तानी है तो मांगेगा, एक मिली दूजी मंगू, इट वांट्स मोर, दिल है तो मांगो और। लिखा होता ना पेप्सी के साथ, नेक्स्ट अभी अभी चाहिए। लेकिन इस बंदे का दिल लोगों के घर से नहीं लगा, लोगों के घर से लग जाए तो जूते पड़ते हैं, ताने मिलते हैं, इसका घर अल्लाह के, इसका दिल अल्लाह के घर से जुड़ा, अल्लाह कहेगा आ जा, तूने बंदों के दिलों का लिहाज रखा है। चौथा बंदा, दाएं हाथ से दिया बाएं को पता भी नहीं लगने दिया, दिल का ख्याल रखे कि नहीं? ये जो फोटो सेशन है ना जगह जगह पे बनवाने और फिर उसको लगाना, की लाऊंगा जे स्टेटस, जी स्टेटस लगाना,
एक शापर दिया स्टेटस, पैसे दिए स्टेटस, ये स्टेटस दिल तोड़ता है, ये दिल चीरता है। लेने वाले का कभी दिल नहीं करता कि तशहीर हो, चुप करके दे जा, चुप करके। तो दिल किदा रखीदा है, रात दे 12 बजे जॉइंट फैमिली इकट्ठे रहिंदे होइए, बेगम कहे सोने हो मेरा ना शवार मैं दिल करदा बर्गर नू, जालमे इस वेले वाह मेरा दिल करन डिया ना। अब दिल वाला उठता है, दिल का ख्याल करता है, चुप करके कुंडी खोल के पोले जाए मोटरसाइकिल गली दे अगले मोड़ते जाके स्टार्ट करके कित्थू जाके ओ जलालपुर पट्टियां दे किसे फट्टे तो लिया के उन्हों दो तिना छापरां च बंद करके शवारमे दी ते बर्गर दी खुशबू भी तो डकनी बहुत औखी है। वो दी खुशबू पैक करके फिर पता नहीं कित्थे लुको के मोटरसाइकिल फिर बंद करके पोला जा बुआ खोल के ला के अम्मी अबू भैन भाइया तू चुप करके साइड ते करके और वो भी ऐसे तरीके से खा के मुद्दा गायब करती है, शापर वापर हर चीज खुशबू। अरे रब के रस्ते में देना है तो यूं दे जैसे जॉइंट फैमिली में रात के 12 बजे के बाद बीवी के दिल करे के बर्गर खाना है और तू ला के देता है और घर वालों को भी पता नहीं चलने देता तूने दिल रखा है। जा फिर अल्लाह कहते हैं धूप है आ जा मेरे अरश के साए में आ जा। पांचवा आदमी इनू प्यार हो गया तो दिल नाल होया, भावें बंदे नाल हो जाए तो भावें बूढ़ी नाल हो जाए, अल हुब्बो लिल्ला वल बुग़्ज़ो फिल्ला। किसी औरत से हुआ है तो कहता है मेरे लिए शरीयत में इजाज़त नहीं, मेरे महबूब ने इजाज़त नहीं दी। मर्द से हुआ है तो तब भी सही मुस्लिम की हदीस है कह देता है कि यार तेरा मेरा प्यार लिल्ला फिल्ला है। दुश्मनी भी हो तो अल्लाह के लिए, बंदों के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, जामे तिरबा का यौम अम्मा, ओए प्यार की पींगे चढ़ानी हूँ तो इतनी ना चढ़ा कि ऊपर जाके रस्सा टूटे थे हड्डी कोई ना बचे। ये जामे तिरमिजी की हदीस है। तो जे किसे नाल नफरत करनी हो तो हिसाब नाल करी, ये नहीं कि मुंह ते थुके तो कल नू फिर वही थुके मुंह चुमने पैण, सुलो करनी पड़े। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, नफरत भी अल्लाह के लिए। ये दिल बनाने वाले के लिहाज से तूने दुनिया में दिल का ख्याल रखा। पता है मिसाल दे दूं, वो जंगे बदर में कैदी को बांधा जा रहा था ते सके भरा दियां मुश्कां बजन डियां सी ते अंसारी बनन डिया सी ते आवाज़ आई इहदी मुश्कां घुट के बन्नी, इहदी मां बड़ी अमीर ही। भरा ने मूँह चुकिया भी ये ते अपने वीरे दी आवाज़ लगती है, वो कहिंदा ओ मैं तेरा सका वीर मेरा क्या रखना हाँ। मेरा भाई वो नहीं जो माँ के पेट से पैदा हुआ, भाई वो है जो कलमे ने बनाया, वो अंसारी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक मोहब्बतें थी और नफरत मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए। एक और आया, औरत ने हुस्न जमाल से आवाज लगाई आ जा बह जा दो गल्ला करिए, कहिंदा हूं इन्नी अखाफुल्लाह। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम और सूरह यूसुफ याद आ गई। आज पूरे मुल्क में छुट्टी, मीटिंगें कैंसल, मजदूरों को छुट्टी, अवाम को छुट्टी, गनमैन छुट्टी, जितने शाही महल्लात के नौकर चाकर थे सबको छुट्टी। तो अपने बंदे नूं भी कह छड्डिया फलाने मुल्क च जाके गेड़ा कढ़िया, शाही ब्यूटी पार्लर से तैयार होके और माशाल्लाह सारे कमरे शमरे लाग करके हर तरह का बंदोबस्त करके पास बुला के एक लफ्ज का है तलक, पर्दे में रह के कुरान ने पर्दे की बात की है। इतना खूबसूरत जुमला पूरे कुरान में कहीं और नहीं मिलेगा, है तलक। यूसुफ एक बारी अखां चुक के मैनू तक तो सही है, सारी तैयारी तेरे लिए, तू जिदों दा आया वेखिया ही नहीं, मैं बण बण फिरदी रहनी है तलक। एक ही मुतालबा है, एक दफा मेरे ऊपर नजर डाल दे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। जवाब क्या आया, माद अल्लाह। यहां दिल दिल बनाने वाले का लिहाज रखा है। हुस्नो जमाल अपनी जगह लेकिन रब्बे जुल जलाल अपनी जगह। अल्लाह कहेगा आज अरश के साए में। और आखिरी जितने भी गुनाह किए थे तन्हाई में जाके कहता है अल्लाह ये दिल पागल सी गलतियां कर बैठा है, नदान सी, अल्लाह हुण कोई वेंदा नहीं, मैं अपने गुनाहों ते शर्मिंदा वा। मुनफ़इल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। ये एक कतरा तेरे दुनिया के सारे गुनाह सिर्फ मिटाएगा नहीं, जितना वजन गुनाहों का है उतने वजन में मेरा रब नेकियां तब्दील करके रख देगा, सवाब भी सवाद भी। चस नहीं आ गई, ये है कामयाबी। जहन्नम तो दूर, अल्लाह ने सूरज की धूप भी नहीं लगने देनी। मुआमला बरअक्स हुआ तो जहन्नम,
और जो जहन्नम से बचा लिया गया फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज, ये है असल कामयाब। कुछ ऐसे बन जाइए, ऐसे बन जाइए। नमाज़ा पढ़ने वाले बहुत लेकिन आकड़ नहीं जाती, गर्दन से सरिया नहीं जाता। बड़े बड़े नेक लोग, बड़े बड़े समझदार, मगर अना में मर गए। बाबा जी कहते हैं कि नुस्खा देने लगा, गर्दन चू सरिया कढ़ो आकड़ वाला, अना नू मारो फिर कामयाब हो। फुलां दा तू अतर बना, फुलां दा ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। ये बाबा जी ने क्यों आख्या? क्योंकि साढ़े वाल रवाज है, असी अतर लैना हो तो उन्होंने कही अतरची नू, यार एक शीशी भर दी छोटी वाली, वो जे किन्ना क तीला जहा हों, उत्तू खोलिया थोड़ा जहा इतें मलिया, थोड़ा जहा इतें कुछ कच्छ तो कुछ मुछ, तो असी आख्या खुशबू आ गई। बाबा जी कहिंदे इन्ने नाल नहीं सरना, फुलां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। तो दरिया भी रावी नहीं, ब्यासा नहीं, सतलुज नहीं, चना नहीं, जेलम नहीं, वगदा दरिया ते भरिया दरिया। फुलां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना। ये नहीं कि चुभी मारी तो बहर आ गयो, नहीं, रज के ना। ते मच्छियां वांगू तारियां ला, इधर आ ते उधर जा, उधरों इधर आ। मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये मैं मार बैठी है, बंदे को है मैं, बीवी को है मैं, औलाद को है मैं, भरावां नूं आ मैं, चाचियां नूं आ मैं। मामे कहिंदे असी आ कर दांगे, कुछ नहीं होना, मिट्टी दा तू मिट्टी होना, ते कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ, कल मिट्टी दे थल्ले। आज बड़ा ज़बरदस्त है, शायर कहता है जबर ना बन जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है, और जिसे पेश होना हो वो जबर बन के रहे तो बात नहीं बनती। यही कामयाबी, यही कामरानी है। आइए कलमे के साथ वो नेमत अल्लाह ने दी है, तौहीद के साथ हमें उसकी समझ है, शिरक को छोड़िए, रिसालत के साथ पैगंबर के अथॉरिटी को चैलेंज मत कीजिए, और अमले साले तौहीद और सुन्नत के मुताबिक लेके आइए, दावत हक पे कायम रहिए। रस्ते में आने वाली हर मुसीबत पे सब्र करके, इस्तेकामत इख्तियार करके बिलाल की तारीख दोहरा दीजिए। और हुकूकुल इबाद में दिलों के फट सीने वाले बनिए, जेड़े फटे ने उन्होंने सी लो, वो सीए कहते हैं ये सूई जी है ना, रसूल सलम ने दसी है, व खैर अल्लज़ी यब्दो बिस्सलाम, जेड़ा अपनी आकड़ भन के पहले कवे सलाम अलैकुम। बुढ़ी तो बंदा रुसया हो, तो बुढ़ी का कसूर हो, तो बंदा पहले जाके सलाम अलैकुम आके औख तो बड़ी है, वह भी उतू भटियाँ का इलाका, होर बड़ा कुछ। मैं मारनी बहुत औखी, लेकिन खुशबू तभी आनी है जब मैं मारेगा, मजा तब आना है जब मैं मारेगा। जो पहल कर ले रात के एक बजे दो बजे सेरी के टाइम, सलाम अलैकुम, खैर है, फोन उठाण ली नहीं, मेरा अंदरों ना दिल जमीर सुता उठ पिया, गलती मेरी है तो तभी माफ़ कर दो, जे तुहाड़ी है तो तभी जान दो। रसूल सल्लम ने फरमाया बंदा हक ते भी होवे तो फिर नीवे जाए, अपने आप नूं नीवा कर ले। कल कयामत दे दिन जन्नत दे विच मेन गेट दे या सेंट्रल मार्केट दा जिहड़ा महल है ना, जिहड़ा सब तो शानदार है, वह मैं लैके देवांगा जामेना मैं, तो फिर की ख्याल है। तो जे कोई कवे, जे कोई कवे यार रूसी बुढ़ी नूं मना ला ते आ जेडे जिन्ना मुरब्बा तेरे ना, तो बंदा मूदड़े मूँह ना होकर टुरे आ जाऊ भी चलो इन्ने च मुरब्बा लभदा, होर की चाहिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। हज़रात, हर बंदा मोहताज है, साहिल और ज़रूरतमंद है, अल्लाह से दर्द के साथ तड़प के रो के आंसुओं के साथ मांगना, अपने भाई की अदम मौजूदगी में मांगना, अल्लाह देता है। मांगने वाले हों फौरी दे दे तो ये उसकी रहमत होती है, बिन मांगे दे दे तो भी रहमत, लेट करके दे तो ये अल्लाह की हिकमत होती है। घबराना नहीं चाहिए, वो इंशाल्लाह दुआओं को कबूल करता है। मौसम भी है, दोस्त अहबाब के लिए कहा गया, मेरे वालिद साहब भी बीमार हैं, अहलिया भी और दीगर रिश्तेदार भी, काफ़ी सारे लोग फौत हुए हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला मेरे वतन की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ قیام کیا ہے قرآن کو سنا بھی ہے سنایا بھی ہے اللہ ایک تڑپ ایک درد رکھ کے آئے ہیں اللہ سحری کرنی ہے روزہ رکھنا ہے میرے مالک ان ساری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے اللہ حقوق العباد مارنے کی وجہ سے اگر ہماری یہ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو سنبھال نہیں پا رہے تو اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جتنے باتیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے کہی ہیں اللہ وقت گزاری کے لیے نہیں خطابت چمکانے کے لیے نہیں اللہ خالصتاً تیری رضا کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اللہ پھر جو اعمال کریں ان کو قبول فرما لے اللہ اس مجلس میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے یا باہر اللہ اجنبی ہسپتالوں میں گھروں میں کلینکوں میں کوئی رشتہ دار اللہ جتنے بھی لوگ دکھی ہیں بیمار ہیں اللہ سب کو شفایاں عطا فرما اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الہ العالمین جتنے بھی تیرے بندے اس دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ عافیت والی زندگی دے میرے مالک ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جن کا نام بھائی نے لیا ہے اللہ یہ سب اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اللہ درجات کو بلند فرما اللہ جنت کے بغیچوں کے اندر جگہیں عطا فرما اللہ اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما میرے مالک ان سے راضی ہو جا اللہ میرا وطن اس کا چپا چپا بچہ بچہ الہ العالمین اندرونی بیرونی دشمنوں کی اللہ جتنی بھی سازشیں ان سے محفوظ فرما اللہ عالم اسلام پورا عالم اسلام اللہ جس دکھ جس کرب میں ہے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اللہ اپنی خاص رحمت فرما اللہ تیری رحمتوں کے در کھلے ہوئے جنتوں کے در کھلے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اللہ ہماری گناہوں کی سزائیں مت بنا الہ العالمین اپنی رحمتوں سے معاف فرما اللہ میرے وطن کے مٹی کی حفاظت فرما اللہ کلمہ توحید پہ بنائے اس کی حفاظت فرما اللہ جتنے دشمنوں کی دشمنیاں اور اللہ ساز لوگوں کی سازشیں ہیں اللہ محفوظ فرما اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جن احباب نے آج کے اس پروگرام کو رکھا ہے اللہ ان کے لیے ان کے عزیز و اقارب کے لیے اللہ ان کے لیے نامہ اعمال میں لکھ دے اللہ اس کو صدقہ جاریہ بنا اللہ جتنے بھی تیرے وطن کے محافظین اللہ مٹی کے محافظ ہیں سرحدوں کے محافظ ہیں ان کی بھی حفاظت فرما اللہ جو دینی سرحدوں کے محافظ ہیں ان کی بھی نگرانیاں فرما اللہ آپس کی دوریاں اللہ دشمنیاں نفرت محبتوں میں تبدیل فرما دے اللہ دنیا اور آخرت کامیاب کر دے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین